संपत्ति के लालच में भाई को आपराधिक षड्यंत्र में फंसाने के लिए भाई ने ही घिनौना खेल खेल डाला और अपने सहयोगी से मिलकर बिहार से अवैध कार्बाइन खरीदकर भाई के छत पर रख दिया, जिससे उसका भाई जेल चला जाए और पूरी संपत्ति पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और तफ्तीश ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया और अपनी ही साजिश के जाल में फंसकर अभियुक्त जेल चला गया। पूरा मामला खोराबर थाने के कुसमही बाजार का है, जहां एक कॉस्मेटिक की दुकान चलाने वाले शेषनाथ के मकान से सटे उनके भाई अमरजीत का मकान है। संपत्ति के लालच में अमरजीत ने अपने भाई को फंसाने के लिए एक कार्बाइन और दो मैगजीन उसके छत पर रख दिया और अपने सहयोगी से पुलिस को फोन कर उसकी सूचना दे दी। लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए SP सिटे विनय कुमार सिंह ने कहा, दोनों एक साथ बनाएगा तो क्या होगा भैया, जो है ना और पुलिस का कर दे, इसको बैठ दे। एक व्यक्ति द्वारा पुलिस की स्वाट टीम को सूचना दिया गया था कि थाना खोराबार के कुसमी बाजार में कॉस्मेटिक के दुकानदार के घर के उसके छत के ऊपर एक कार्बाइन 9mm की कार्बाइन रखी हुई है। इस सूचना पर विश्वास करके स्वाट की टीम जनपद मुख्यालय से प्रस्थान की, साथ ही इन्होंने इंस्पेक्टर खोराबाग को अवगत कराए, तो साथ जो दोनों टीमें वहां पर पहुंची हैं उस दुकानदार के छत पे, तो वहां पर एक कार्बाइन 9mm की जिसके साथ दो मैगजीन थी, ये दोनों छत के ऊपर कपड़े में बांध के रखी गई थी। दुकानदार और मकान मालिक का नाम शेषनाथ जायसवाल सन ऑफ सीताराम जायसवाल, निवासी कुसमी बाजार है। जब पुलिस टीम ने इसे कड़ाई से पूछताछ किया कि यह कार्बाइन आपके छत के ऊपर कहां से आई है और आपको कहां से मिली है, आपने कैसे रखा है, इस व्यक्ति ने पूरी तरह से अनभिज्ञता जाहिर की, इसको उस कार्बाइन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो जब हम लोगों ने शेषनाथ जायसवाल से पूछताछ किया तो प्रथम दृष्टि ऐसा लगा कि किसी व्यक्ति द्वारा इसको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दिया था, जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो सारे राज्य का पर्दाफाश हो गया। शेषनाथ जायसवाल सगे दो भाई हैं, इनके बड़े भाई का नाम अमरजीत जायसवाल है, जिससे इनका प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा। इन्होंने अपनी माँ को वश में करके वसीयत लिखाने की कोशिश भी किया था। अमरजीत जायसवाल और शेषनाथ जायसवाल दोनों सगे भाइयों में रंजिश मुकदमेबाजी चल रही है। इसका फ़ायदा जिसने पुलिस को सूचना दिया था उसका नाम शुभम मिश्रा है। शुभम मिश्रा इस कार्बाइन को खरीद के बिहार से लाया था और इस पूरे षड्यंत्र में शुभम मिश्रा, अमरजीत जायसवाल और शेषनाथ जायसवाल के पड़ोसी हैं जितेंद्र भुस, ये तीनों लोग शामिल थे। यह कार्बाइन शुभम मिश्रा बिहार से खरीद के लाया था। इसमें पैसा लगाने वाला काम जो अमरजीत जायसवाल ने किया था, शुभम मिश्रा ने किया था। इन तीनों लोगों ने मिल के जितेंद्र भुज, जिसका मकान और छत सटी हुई है शेषनाथ जायसवाल से, इन लोगों ने कार्बाइन इसके छत के ऊपर रख दिया था और पूरी कोशिश इनकी थी कि पुलिस के द्वारा कार्रवाई में इसको गिरफ्तार करा दिया जाए और बाद में अपने माँ को प्रभाव में करके अमरजीत जायसवाल पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करा दिया। तो क्या सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला था कि कोई घटना का अंजाम भी देने वाले थे? नहीं, ये केवल विशुद्ध प्रॉपर्टी का मामला था और इसमें शेषनाथ जायसवाल और जितेंद्र भुज मिलके उनकी ये कोशिश थी कि इसको कार्बाइन में पुलिस के द्वारा जेल भिजवा दिया जाए। लेकिन जब सही तरीके से छानबीन की गई, सारे तथ्य पता लग गए, अब हम लोगों ने शुभम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया इस मामले में, अमरजीत जायसवाल शेषनाथ के भाई और जितेंद्र भुज अभी दोनों फरार हैं। सर, इन्होंने लिया था बिहार में या सिवान जिले में अरवा से लाए थे, वहाँ से जांच कराई जा रही है। जो गिरफ्तार हुए उनके ऊपर भी कोई पहले से भी आपराधिक मुकदमा है? इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ठीक है, जांच पड़ताल की जा रही है।